खबर दे रहे हैं जिनमें से जहां बैताल पोर्ट डिपो के आसपास तेल चोरी के भंडाफोड़ का मामला सामने आया है। टैंकर के 7,000 लीटर तेल के 7 दर्जनों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें देवरिया के बैताल पोर्ट तेल डिपो के बाहर टैंकरों से चोरी के मामले में डीएमओ एसपी ने छापेमारी कराई थी। पुलिस ने 3 टैंकर सहित 1,000 लीटर चोरी के तेल के 7 दर्जनों को गिरफ्तार किया। डीएमओ आशुतोष निरंजन व एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा द्वारा बड़ी कार्रवाई पूरी तैयारी के साथ रायबनू टीम के साथ जिले के सभी थानेदारों से कराई गई छापेमारी को लीड करने की जिम्मेदारी तेज तर्रार सीओ सिटी श्रेयस तिवारी त्रिपाठी को दी गई थी। छापेमारी के दौरान मौके पर डीएम आशुतोष निरंजन व एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा भी रहे। छापेमारी में शामिल जिले के तेज तर्रार एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा का बैतालपुर चौकी के कांस्टेबलों पर एक्शन लेते हुए चौकी इंचार्ज को छोड़कर सभी को लाइन हाजिर कर दिया। बैतालपुर चौकी इंचार्ज को ईमानदारी का इनाम मिला। जिले के एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने तेल चोरी के मामले के खुलासे के बाद कार्रवाई के एक्शन में दिखे। जांच पड़ताल के बाद हुई कार्रवाई से जिला पुलिस में हड़कंप मच गया। और आयल डिपो के बाहर जो टैंकर तेल लेकर के जाते हैं वो निकलते ही कुछ तेल की मात्रा लोगों के साथ मिलकर के निकाल देते हैं और फिर अपने गंतव्य पर जाते हैं। इसकी शिकायत थी, पूर्व में भी एक बार ऑपरेशन इस पर हो चुका था। आज डीएम साहब की पूरी टीम, उनके पूरे राजस्व के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की हमारे करीब 2 दर्जन जो 1.5 दर्जन थाना अध्यक्ष हैं उनकी टीम ने एक व्यापक कार्रवाई सवेरे भोर में किया है, जिसमें दर्जनों लोग पकड़े गए हैं और टैंकर से तेल निकालते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध आईपीसी में और अन्य एक्ट्स में जो संगत नियम हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की का जो अपराध है ये अपराध करने से लोग बच जाएँ।